अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ख़वातीन, वेलकम बैक टू टॉल ब्रो स्टैक। मेरा नाम है जवाद और आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे हाथ में एक एक्साइटिंग सी चीज़ लगी, एक्साइटिंग सा प्रोडक्ट लगा जिसका मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और फाइनली वो आज मेरे हाथ में आ गई है। मेरे हाथ में दे नूबिया वॉच। मैं इसका जो इंतज़ार है पिछले कुछ एक साल से कर रहा हूँ और फाइनली ये मेरे हाथ में लग गई है। इस वॉच का मुझे इतने अरसे से इंतज़ार क्यों था, क्योंकि ये जो वॉच है इन्होंने स्टार्ट लिया था किक स्टार्टर से, वहाँ पे इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पे पेश किया था और पिछले साल ये जो है नूबिया वॉच अल्फा के नाम से वहाँ पे आया था और वहाँ पे कुछ लोगों को मिली थी जायज़ा टेस्ट वगैरह के लिए, मार्केट में नहीं आ सकी, लेकिन इस साल ये जो है इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो गई है और मेरे पास आ गई है। तो शुरुआत करते हैं इस वॉच की अनबॉक्सिंग से और इस वॉच के बारे में कुछ बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस अनबॉक्सिंग। कटर दियो भाई। चलो यार ओके जी, इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये अंदर हमें वॉच हमारे सामने आ गई है और सबसे पहले तो वॉच निकालते हैं बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको फुल जो है इन्होंने पैक किया हुआ और यहाँ पे इन्होंने नूबिया दिया हुआ है और घड़ी पे आते हैं आखिर में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमें इसके साथ साथ क्या मिला है। तो ये सबसे काम की चीज़ है क्योंकि मेरे जो कलाइयाँ हैं वो वैसी छोटी सी हैं, तो आई थिंक आई गो विद दिस। ओके, गारंटी कार्ड है इसका और मेरे हाथ से ये सारे पेपर वर्क हैं जो कि हमारे किसी काम नहीं आने, तो ये इधर रख देते हैं। उसके बाद दूसरा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में जो है हमें मिला है इसका ये चार्जर है, ये मेरे ख्याल से इसका मैग्नेटिक चार्जर है जो कि ट्रक करके पीछे लग जाएगा, और इसके साथ ये माइक्रो USB चार्जर और USB और बाकी बॉक्स खाली है। ओके, तो ये है इसका बॉक्स। ओके, अब जो बॉक्स के पीछे लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्क्रीन, हार्ट रेट स्लीप मॉनिटरिंग, 4.1 HD स्क्रीन, स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग, वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ, मुझे नहीं लगता था कि इसमें वाटरप्रूफ होगा, बट गुड टू नो दैट। ब्लूटूथ। ओके, घड़ी की जो स्पेक्स हैं वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, 1G + 8G। 1GB मेरे ख्याल से वो है, वन जी बी जो है इसकी रैम है और 8GB जो है इसका स्टोरेज है। बाकी नूबिया टेक्नोलॉजी आपको जायुन चाइना में बनी, जायुन वालों की नहीं है, चाइना में बनी। ओके भाई, आ जाते हैं घड़ी पे, इसका था इंतज़ार। अनबॉक्स नूबिया एक बार और देख लें, अनबॉक्स कर रहा हूँ यार, इसको खोलते हैं। अच्छा, इसको प्यार से खोलेंगे ना ताकि मज़ा नहीं आया तो भेज दें। ओके, तो ये आ गई मेरे हाथ में नूबिया की वॉच। को कर लेते हैं जल्दी से ऑन, घड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है और जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा आपको एक एग्रीमेंट लेटर मिलेगा जो कि आपने उसको 4-5 बार भी ऊपर करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, ऊपर जाते रहना। ओ भाई, ओके फाइनली अब इसको हमने जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है। तो ये जब जैसे ही आप इसको अपने मोबाइल से लिंक करेंगे तो ये आपको जो है एक बारकोड दिखाएगा और उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो अब इसको हम जाते हैं इसकी एप्लीकेशन में और इसको वहाँ से पेयर करते हैं। यहाँ पर इसने कह दिया पेयर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब आप अपने स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर आके तो आपके सामने जो है वॉच फेसेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपने इसको लॉन्ग प्रेस और ये आपके सामने इसके वॉच फेसेस आ गए। तो यहाँ से जो है आप अपनी घड़ी के वॉच फेसेस वगैरह देख सकते हैं। इसमें अच्छा खासा वॉच फेसेस दिए हुए, यानी आपको आराम से मेरे हाल से 10-12 तो मिल ही जाएंगे। और सबसे अच्छा जो इस वक्त मुझे लग रहा है वो ये है, मेरे हाल से घड़ी के साथ फिट हो रहा है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा है और काफ़ी अच्छा है। ओके, अगर हम इसे राइट स्वाइप करेंगे यहाँ से तो हमारे पास मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में हमें कॉल मिलेगी, मैसेजेस मिलेंगे, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, हार्ट रेट है, सेटिंग है, बैरेज है, कंपास है, स्केड्यूल है, कैलकुलेटर, सर्च, फोन और म्यूज़िक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसकी कॉल से। यहाँ से हम लोग डायल वगैरह कर सकते हैं कि अब मैं चेक करना चाहूँगा कि अगर मैं डायल करूँ तो डायरेक्टली कॉल यहाँ से होती है कि नहीं। वैसे मुझे पता है कि इस वॉच में एक फ्लॉ है
और मैं आप लोग को भी अभी यहाँ पर ही दिखाना चाहता हूँ, आप लोग भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए। दूसरा, मैं सबसे पहले जो है यहाँ से आपको बैक जाके एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ से आएंगे यहाँ पे, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन होगा आपके पास यहाँ पे, ये है बैटरी सेविंग का ऑप्शन। ये है कि अगर आपकी घड़ी ऐसे आप नीचे कर लेते हैं और अगर आपकी घड़ी बंद हो जाती है और आप अगर आप इसको यहाँ से वापस ऊपर करते हैं जो टाइम देखने के लिए, तो आपका स्क्रीन टाइम जो स्क्रीन है वो वापस ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये क्या है भाई, ये मेरे ख्याल से GPS है, क्योंकि इस घड़ी में GPS भी है और आप इसको कहीं पहन के बाहर जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग भी करेंगे तो वो आपके मोबाइल में डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो बढ़ा सकते हैं। ये आपका ब्लूटूथ आ गया, ये आपका नाइट मोड आ गया, नाइट मोड मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से आप अपनी वॉच को साइलेंट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना साइलेंट हटा भी सकते हैं। ये इसका वाइब्रेशन मोड है और ये वाइब्रेशन मोड ऑफ है। तो बैटरी की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखी हुई आ रही है। और यहाँ से हम जाते हैं अब बैक, तो अगर इसको लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हमारे पास मेन्यू आएगा, और वापस लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे तो मेन्यू आएगा, फिर अगर हम इसको वापस राइट स्वाइप करेंगे तो मेन्यू आएगा, और वापस लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपकी मेन स्क्रीन आ जाएगी। दूसरा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो यहाँ पर होम बटन है, अगर आप इसको दबाएँगे तो आपके सामने फिर मेन्यू आ जाएगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और आते हैं कॉल्स पे। तो कॉल्स जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा घड़ी का डायल आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास पूरा डायल है, और आप अगर यहाँ से किसी को कॉल मिलाना चाहें तो यहाँ से कॉल मिला सकते हैं। आपको एक फ्लॉ बताता चलूँ इसका, वो ये है कि अगर आप किसी को यहाँ से फ़ोन करेंगे तो कॉल तो बेशक जाएगी, लेकिन यहाँ से जो लाउड स्पीकर है उससे आपको आवाज़ नहीं आएगी। मेरे ख़्याल से ये इसका सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच है या सॉफ्टवेयर इशू है कि आपको यहाँ से लाउड स्पीकर नहीं मिल रहा है, या तो ये घड़ी का इशू है या तो उन्होंने दिया ही नहीं है। बैक जाते हैं, तो जब जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आप अपने मैसेजेस वगैरह देख सकते हैं। अभी मेरे पास कोई मैसेजेस नहीं, या तो घड़ी के इसमें आए नहीं है मैसेजेस। उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा, और यहाँ पे आपके GPS वगैरह ऑन कर सकते हैं, आपको बोलेगा GPS ऑन कर लें। और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्कआउट ऑप्शंस दिए गए हैं, वो बहुत ही कम है, ना कि हमारे जैसे दूसरी वॉचेज हैं सैमसंग या एप्पल, उसमें हर किस्म का आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, टेनिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है फ्री वर्कआउट, आउटडोर वर्किंग, इनडोर रनिंग और आउटडोर रनिंग। उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो है हेल्थ का। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है आपका टोटल डे कैलकुलेटर, मतलब आपने पूरे दिन में क्या किया है, कितना किया, आपका हार्ट रेट आ जाएगा, कितने कदम आप चले हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, और आपने पूरे दिन में कितना स्पोर्ट्स खेला है या किया है। हार्ट रेट से मैं अपना देखना चाहूँगा मेरा हार्ट रेट कितना है इस वक्त, एक्यूरेट भी है कि नहीं है। दूसरी घड़ी से मैं ऑफकोर्स ऐसा कंपेयर करूँगा, तो अभी डिटेक्टिंग कर रहा है और देखते हैं कितना आता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक्यूरेट ही आएगा, 80-90 के बीच में होता ही है मेरा, और 92 आ रहा है। ओके, ये लाइव चल रहा है साथ में, आप देख सकते हैं 89, 90, 88। ओके, तो इस घड़ी में अपना मैं हेल्थ रेट चेक कर लेता हूँ। ये तो 83 बता रहा है, मतलब मैं यहाँ पे और ठंडा हो गया। आगे सेटिंग्स आपको मिलेंगी, सेटिंग्स में आप जो है पूरा देख सकते हैं कि घड़ी का मॉडल क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसका हार्डवेयर वर्जन क्या है, और ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम मिलेगा, सिस्टम में आप अपनी रीसेट कर सकते हैं, रीमैच टू फोन कर सकते हैं, जो कि मुझे मेरे ख्याल से ये और मैच्ड है। लैंग्वेजेस आ गई हमारे पास, सिर्फ इसमें एक ही लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश। पावर सेविंग मोड है इसमें, पावर सेविंग मोड अभी ऑन नहीं करना हमने। पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं जेस्चर्स गाइड है यहाँ पे, जो आप जैसे ही अपनी घड़ी पहली बार ऑन करते हैं तो आपके सामने आता है कि आपने घड़ी अपने किस तरीके से चलानी, क्या क्या करना है। फिर आते हैं साउंड पे, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा वाइब्रेशन मोड, और ये है जेन मोड। जेन मोड में ना आपको वाइब्रेशन मिलेगी, ना कोई साउंड मिलेगा, ना ही और कुछ मिलेगा। म्यूज़िक हमने इसका रख देते हैं फुल। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि है वॉच फेसेस। ये सारे आपके वॉच फेसेस आ गए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वॉच फेसेस हैं। उसके बाद स्क्रीन क्लॉक स्विच है, कि जब आपकी घड़ी बंद हो और अगर आपने इसको नेवर स्लीप पर रखा है या रेस्ट राइज रखा हुआ है, तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि जब आप अपनी रेस्ट राइज करेंगे तो आपके सामने क्या स्क्रीन आएगी, तो ये चूज़ कर लेते हैं। तो बैक अगर जाएं तो यहाँ पे हमें जो है इसकी बैरेज मिलेगा। बैरेज क्या है कि आप अगर कहीं पर गए हुए हैं तो आप
बेसिकली जो घड़ी है आप सही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं शो ऑफ करने में। यहाँ पे है मार्की स्विच, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये है कि अगर आप यहाँ पे ऑन कर लेते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, मैं कहता हूँ पैसे पूरे यहाँ पे हो गए भाई। मेरा सबसे फेवरेट ये है। हाँ भाई, कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा। तो ये थी इस वॉच की सॉफ्टवेयर, और अब इसकी मैं प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। जो इसकी प्राइस है ना, वो घड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत सस्ती है। यहाँ कतर में तो मुझे मिली है ये, आप समझ लें 1000 रियाल की। ज़्यादा महंगी नहीं है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सैमसंग और एप्पल वॉच है, इससे तो फिर भी सस्ती है। इतनी बड़ी स्क्रीन है, ऑब्वियसली इसमें अभी इतने ऑप्शन नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह जब हों तब आएँ। तो मेरे ख्याल से घड़ी अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और ये बता दूं कि ये जो इसका चार्जर है ना, ये मैग्नेटिक चार्जर है, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे मेरी सैमसंग वॉच की तरह परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको सैमसंग वॉच में जो है आपको डॉक के साथ लगा के रखना पड़ता है। तो आई एम रियली सेटिस्फाइड। दूसरी चीज़ ये मैं बता दूँ कि जो इसके साथ आपको जो चार्जिंग केबल, माइक्रो केबल मिलेगी, आप इसी से चार्ज करें। अगर आप कोई दूसरी केबल यूज़ करेंगे तो उससे आपको इतनी स्पीड नहीं मिलेगी। जो इसकी बैटरी टाइमिंग है वो मेरे ख्याल से आप ऑलमोस्ट अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी पे यूजेज वगैरह कर रहे हैं। घड़ी है, मेरे ख्याल से इस पर कोई इतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे तो आराम से 2 दिन निकलेगी। ऐसा क्या है इस घड़ी में कि आपके पास ये घड़ी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये घड़ी शशके के लिए है। ये घड़ी अगर आपको लेनी है तो सिर्फ शशकों के लिए है। मेरे ख्याल से इतनी कोई प्रैक्टिकल वॉच नहीं है। जैसे कि हम लोग बहुत जो स्मार्ट वॉच लेते हैं वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हाँ यार, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये वाला भी ऑप्शन चाहिए, मुझे ब्ला 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 ऑप्शन चाहिए। हमारे पास अभी इस घड़ी में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। होपफुली इन फ्यूचर हमें जो है इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह के साथ ऑप्शंस आते रहें। तो जो 2 फ्लॉ हैं इस घड़ी में, जो अभी तक मैंने जो अनबॉक्स के बाद मुझे पता चले, एक तो इसका साउंड है, और जो दूसरा फ्लॉ है इसमें कि मैं जो इसमें 24 आवर्स आ रहा है वो इसको 12 आवर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं और रिव्यूज़ आते रहें तो शेयर भी कर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।